Okay, so we'll start with the problem, the design of rectangular tank. The data given to us is that the length of the tank is 8 meter, the width of the tank is 3.5 meter, and the height of the tank is 3 meters. So this is just the dimension of the tank. We'll need all the basic parameters that is needed for the designing purposes. तो वो क्या होंगे सबसे पहला बेंडिंग स्ट्रेस होगा बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है सिग्मा सीबीसी दूसरा होगा डायरेक्ट टेंशन दैट इज सिग्मा सीटी दिस इज डायरेक्ट टेंशन एंड कंप्रेशन तीसरी चीज़ हमें जो लगेगी वो होगा परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील जो होगा सिग्मा एसटी अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी IS 3370 में से पार्ट टू बहुत सारे टेबल्स दिए गए सिग्मा सिग्मा सी बी सी निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालने डायरेक्ट टेंशन निकालने परमिसिबल स्ट्रेस निकालने सारे कुछ टेबल्स दिए गए हैं IS कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ सो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा सी टी डायरेक्ट टेंशन और सिग्मा एस टी अब ये दोनों चीज़ें दी गई है टेबल नंबर वन और टेबल नंबर फोर में सबसे पहले सिग्मा एस टी देख लेते हैं हम टेबल फोर में तो टेबल फोर जो है सिग्मा एस टी के लिए जैसे कि अब हमारा स्टील जो है एफ ई 415 है तो उसके लिए 130 रहेगा ठीक है टेबल नंबर टू जो है वो है सिग्मा सी बी सी के लिए यानी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए ठीक है और हमारा कंक्रीट का ग्रेड है M25 ये बहुत सारे ग्रेड्स के लिए काफ़ी बेंडिंग स्ट्रेस दिए गए हैं यहाँ पे लेकिन हमारा M25 है इसलिए हम उसके लिए लेंगे जो है 8.5 तो हमारा सिग्मा सी बी सी है 8.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर सिग्मा एस टी है 130 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अब बाकी एक चीज़ रह जाती है वो है डायरेक्ट टेंशन वो मिलेगा हमें टेबल नंबर वन में से लेकिन यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है अप टू 50 तक है हमारा M25 है इसलिए हम M25 के लिए जो भी आता है वो लेंगे सो इन आर केस इट इज़ 1.3 सो सिग्मा सी टी इज 1.3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ठीक है अब ये सब बेसिक चीज़ें मिल गई देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द डिजाइनिंग ओके व्हाट वाज द डेटा वी गॉट सिग्मा सी बी सी वॉज 8.5 सिग्मा एस टी वॉज 130 एंड सिग्मा सी टी वॉज 1.3 All were in Newton per millimeter square. The first thing that we need is the design constants. Okay. Now what are the design constants? सबसे पहले आएगा modular ratio. इसका formula क्या है? 380/3 sigma CBC. Sigma CBC हमारे पास है 8.5. तो जिसका वैल्यू आ जाता है हमें 10.98 ओके एम मिल गया दूसरी चीज़ है के दैट इज ये होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर जैसे एन ए इज इक्वल टू के डी जब हम निकालते हैं वो के है ये दैट इज गिवन एज एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी ठीक है तो वो कैसा आएगा 10.98 इंटू 8.5 अपॉन 10.98 इंटू 8.5 प्लस 130 इसका वैल्यू आ जाता है 0.42 ठीक है अब तीसरी चीज़ है जे जे क्या होता है 1 - K/3 इज इक्वल टू 1 - 0.42 / 3 प्लीज रिमेंबर दैट वी आर डिजाइनिंग दिस एज पर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड दिस इज नॉट एज पर द लिमिट स्टेट मेथड तो ये आ जाएगा 0.86 ठीक है फिर फाइनली आ जाता है आर जो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट है विच विल बी हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के इंटू जे
सारे वैल्यू अगर मैं डाल दूँगा यहाँ पे हाफ इंटू 8.5 इंटू के जो मिला हमें 0.42 और जे हमारा 0.86 तो आ जाता है 1.53. वी गॉट एवरीथिंग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर द एल वाई बाई एल एक्स रेशियो इज लेस देन 2 और इट इज ग्रेटर देन 2. सो इन आवर केस द लेंथ वॉज 8.8 meters एंड द ब्रेथ वॉज 3.5 meter. सो इफ वी डिवाइड दीज टू यू विल गेट इट एज 2.28 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 2. सो द एंटायर डिज़ाइन मेथड विल बी चेंज इफ इट इज ग्रेटर देन 2 और इफ इट इज लेस देन 2. सो प्लीज रेफर माई प्रीवियस वीडियो अपलोडेड. यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन ओवर हियर. ओके फाइनली विल स्टार्ट ऑफ विद द डिज़ाइन नाउ. सो फर्स्ट वी विल डिज़ाइन द लॉन्ग वॉल्स ऑफ द टैंक. ठीक है. सो एज वी ऑल नो इन केस ऑफ द एल वाई बाई एल एक्स रेशियो इज व्हेन इट इज ग्रेटर देन 2 द लॉन्ग वॉल्स एंटायरली बिहेव एज अ कैंटिलीवर. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सेक्शन ऑफ द लॉन्ग वॉल द एंटायर वॉल विल बेंड एज अ कैंटिलीवर. सो वील हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ओवर हियर विच विल बी एम मैक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू गामा एच इंटू एच इंटू एच बाय 3. ओके this will be equal to half into 10 into the height of the wall is 3 meters so 3 into 3 into 3 divided by 3 so which will be 45 kilonewton meter. Now once you get the moment you can calculate the thickness of the wall with the design constant that we got earlier at what it was r. So the maximum bending moment is given as R B D square. So for calculating D, we'll take everything under the root M by R B. Now this B will be 1000 mm because we're calculating for per meter width of the wall. So if I plug in all the values, M is 45 into 10 raised to 6 because this was in mm. So we'll have to take this in Newton millimeter. R was 1.53. So which will be 171.49 mm. Now this is very less, we can't take the depth of the wall or thickness of the wall this much. So we'll just assume the overall depth as 230 mm aur uska effective depth hum le lete hain. Cover kitna lete hain? Cover lete 40 mm. So 230 minus 40 to hame mil jayega 190 mm. So that's all with the first step. The next step is to provide the steel for the moment. अब स्टील कैसे प्रोवाइड करना है? तो हमें D मिल गया था 190 mm. तो AST दिया जाता है इस फॉर्मूला से M अपॉन सिग्मा ST J टाइम्स D. एम हमारा है 45 इंटू 10 रेस टू 6 अपॉन 130 इंटू 0.86 इंटू 190. सिंपली वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाता है 2120 mm². इसे सिर्फ फर्स्ट स्टेप चेक करना है यहाँ पे आपको कि एएसटी मिनिमम कितना होता है. एएसटी मिनिमम फॉर रेक्टेंगुलर टैंक इज और बेसिकली एनी टाइप ऑफ वाटर टैंक इज 0.35% ऑफ BD. Oh sorry, this is overall depth 0.35 upon 100 into P is 1000 into the depth was 230. So तो ये आ जाता है 805 mm². So AST minimum is less than this. So we have to provide this only.
स्पेसिंग कितनी रखना है उसके लिए पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ बार कितना रहेगा. सो लेट्स प्रोवाइड 20 मिलीमीटर डायमीटर बार. सो स्पेसिंग विल बी पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय द टोटल स्टील हेड वी हैव टू प्रोवाइड विच इज 2120 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर इन मिलीमीटर, दैट विल बी 1000. सो दैट इज 148 mm. We can't provide this, always provide less than this. So let's say provide 20 tor at 130 mm center to center. Now this steel will be on the inner face of the wall to resist the bending moment, and it will be provided in the vertical direction. ठीक है, तो हमने स्टील तो प्रोवाइड कर दिया मोमेंट के लिए और ये था वर्टिकल डायरेक्शन में. अब टेंशन भी रेजिस्ट करना होगा उस वॉल को, और टेंशन रेजिस्ट करने के लिए हमें स्टील प्रोवाइड करना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टेंशन इज गिवन एज स्मॉल पी बी बाय 2. बी कब लेंगे? जब लॉन्ग वॉल के लिए निकाल रहे हैं. और एल कब लेंगे? जब शॉर्ट वॉल के लिए निकाल रहे हैं. अब पी क्या होगा? पी विल बी इक्वल टू गामा इंटू एच माइनस स्मॉल एच. ठीक है, अभी स्मॉल एच क्या है देखिए. जैसे अगर ये एलिवेशन है वॉल का, तो द टेंशन जो स्टार्ट होता है इट विल ऑलवेज स्टार्ट अबाउट एच बाय 4 फ्रॉम द बेस. सो इन दिस केस इट इज 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75. सो इफ आई पुट ऑल द वैल्यूज हियर, 10 गामा इज 10 एज यू ऑल नो, 3 माइनस 0.75 विच इज इक्वल टू 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो द टेंशन विल बी 22.5 मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ द टैंक इज 3.5 डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल बी 39.37 किलो न्यूटन. अभी इस टेंशन के लिए भी अलग से स्टील प्रोवाइड करना होगा. वो स्टील कितना होगा? उसका उसको कैसे उसको वो कैसे निकालेंगे? सो द AST फॉर रेजिस्टिंग टेंशन इज T डिवाइडेड बाय सिग्मा ST और दैट विल बी 39.37 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 130. कितना हो जाता? 302 mm स्क्वायर. अब ये AST मिनिमम से बहुत कम है, तो अब यहाँ पे AST मिनिमम प्रोवाइड करना होगा, दैट इज 805 मिलीमीटर स्क्वायर. अब ये अब टैंक में दो फेसेस होते हैं, एक इनर फेस होगा और एक आउटर फेस होगा. तो हम क्या करेंगे, इस स्टील को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आधा यहाँ डालेंगे और आधा यहाँ. सो ऑन ईच फेस इट विल बी AST विल बी 402 mm स्क्वायर. ओके, स्पेसिंग कितनी होगी? पाई बाय 4 इंटू लेस टेक 10 mm डाया बार्स अपॉन 402 इंटू 1000. सो दैट इज 195 mm. सो फाइनली विल प्रोवाइड 10 टॉर एट 190 mm सेंटर टू सेंटर इन, इट इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. So we completed the design of long walls. The next thing is to design the short wall. Now the next step is to design the short walls. We have completed the long wall. We have provided the steel in vertical as well as in horizontal direction. Now for the short wall, when Ly by Lx ratio is greater than 2, the wall behaves differently. Let's say this is the elevation of the wall. तो क्या होगा? बॉटम से एच बाय 4 तक वो एज अ कैंटिलीवर बिहेव करेगी, और बाकी का ऊपर का जो पोर्शन होगा एक कंटिन्यूस फ्रेम की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से नेगेटिव मोमेंट यहाँ आएगा, पॉजिटिव मोमेंट यहाँ आएगा, वापस से नेगेटिव मोमेंट यहाँ पे आएगा.
तो ये सब नेगेटिव मोमेंट्स, पॉजिटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट ये निकालने होंगे पहले, बाद में नीचे जो कैंटिलीवर की वजह से नेगेटिव मोमेंट होगा वो निकालना पड़ेगा। तो इस मोमेंट के लिए स्टील वर्टिकल में प्रोवाइड करेगा और इस मोमेंट्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इनर और आउटर फेस में हम टेंशन के लिए भी स्टील प्रोवाइड करेंगे कुछ, तो ठीक है, वो देखेंगे हम आगे कैसा होता है। तो मोमेंट एट कॉर्नर इज गिवन एज माइनस पी बी स्क्वायर बाय 12 बी क्यू, क्योंकि शॉर्ट वॉल है, विच इज इक्वल टू 22.5 इंटू बी। अब यहाँ पे बी हम सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल लेंगे तो वो कितना होगा, 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 3.5 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2, सो ये हाफ हाफ हो गया ऐसे, तो आएगा 3.73 मीटर, 3.73 डिवाइडेड बाय 12, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाता है माइनस 26 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट सेंटर क्या होगा, प्लस पी बी स्क्वायर डिवाइड बाय 16, सो 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.73 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, दिस विल बी 19.56 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट्स तो मिल गए, अब टेंशन बाकी है, द टेंशन इज स्मॉल पी एल डिवाइड बाय 2, लॉन्ग वॉल की जगह हम बी की जगह पे एल लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वॉल है। तो ये रहेगा 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आता है, 90 किलो न्यूटन, ठीक है। आप स्टील देखो कैसा प्रोवाइड करना है, जो ए एस टी रहेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा मोमेंट का प्लस टेंशन का, सो ए एस टी वन लेट्स से दिस इज फॉर द मोमेंट एंड ए एस टी टू दिस इज फॉर द टेंशन। ए एस टी वन क्या होगा, ए एस टी वन विल बी एम अपॉन सिग्मा एस टी जे डी ड्यू टू द मोमेंट। अब मोमेंट कौन सा लेना है, हमेशा मैक्सिमम मोमेंट लेना है, 26 × 10⁶ अपॉन 130 × 0.86 मल्टीप्लाइड बाय डी वॉज 190 mm, सो दिस विल बी 1223 मिलीमीटर स्क्वायर। ए एस टी टू विल बी टी अपॉन सिग्मा एस टी, टी इज 90 × 10³ अपॉन 130 इज इक्वल टू 692 mm स्क्वायर। सो टोटली एस टी क्या रहेगा, 1223 प्लस 692, सो ए एस टी फाइनल ए एस टी विल बी 1915 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी अज्यूम करेंगे हम कोई सूटेबल बार साइज, लेट्स टेक 20 mm बार्स, तो स्पेसिंग कितनी आएगी, स्पेसिंग विल बी इक्वल टू 5/4 इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1915, तो ये आता है 163 mm, लेट्स टेक 160, सो प्रोवाइड 20 टॉर एट 160 सेंटर टू सेंटर। अब कैसे प्रोवाइड करना है, इनर फेस से प्रोवाइड करना है, आउटर फेस से प्रोवाइड करना है। अब ये प्लान देखो वॉल का, नेगेटिव मूवमेंट है इस साइड है इनर फेस में, पॉजिटिव मोमेंट जो आता है वॉल के आउटर फेस पे आता है इस तरफ, अगेन इनर फेस पे कॉर्नर पे चला जाता है। तो यही सेम स्टील को इनर फेस में ही प्रोवाइड करेंगे और आउटर फेस में ही प्रोवाइड करेंगे, सो ये टेंशन के लिए भी काम आ जाएगा, नेगेटिव मोमेंट के लिए भी काम आ जाएगा और पॉजिटिव के लिए भी, ठीक है। ये हो गया वो कंटिन्यूस फ्रेम के लिए। अब जो नीचे का जो पोर्शन था एच बाय फोर लेंथ तक के, जो कैंटिलीवर पोर्शन था बॉटम के लिए, उसके लिए मैक्सिमम मोमेंट निकालना है, वो क्या होगा, डेट विल बी हाफ इंटू गामा इंटू एच, उसका बेस जो रहता है मैक्सिमम प्रेशर, इंटू एच डेट इज 0.75 बॉटम से,
multiplied by h by 3 centroid. So 0.5 into 10 into 3 into 0.75 into 0.75 divided by 3. ठीक है, ये सारा स्टील जो था पहले वाला 10 टोराइड 160, ये सारा रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये वर्टिकल में रहेगा. सो इसका टोटल होगा 2.81 किलो न्यूटन मीटर. और एएसटी क्या होगा? एएसटी विल बी एम अपॉन सिग्मा एसटी जेडी, विच विल बी इक्वल टू 2.81 इंटू 10^6 0.86 इंटू 130 इंटू 190. तो ये आ जाता है 122 मिलीमीटर स्क्वायर. अब अगेन यहाँ पे ये इट इज़ लेस देन एएसटी मिनिमम, तो हम इस केस में प्रोवाइड करेंगे एएसटी मिनिमम ओनली. ठीक है, लेकिन एएसटी मिनिमम हमेशा क्या होगा, हम उसको डिवाइड करेंगे एक इनर फेस में आधा और आउटर फेस में आधा. तो एएसटी मिनिमम जो हमारा था वो था 805 मिलीमीटर स्क्वायर. सो एक फेस पे हमें कितना मिलेगा? 402 मिलीमीटर स्क्वायर. तो स्पेसिंग कितनी होगी वर्टिकल स्टील के लिए? लेट्स टेक 10 mm बार्स. मिलीमीटर. सो प्रोवाइड वर्टिकल स्टील कितना? 10 टॉर एट 190 mm सेंटर टू सेंटर. तो हमने लॉन्ग वॉल भी डिज़ाइन कर लिया और शॉर्ट वॉल भी डिज़ाइन कर लिया. अभी हम सारा डेटा को समराइज करेंगे. ओके, सबसे पहला लॉन्ग वॉल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टील क्या था? टेन टॉर एट 190 mm सेंटर टू सेंटर ऑन ईच फेस, इनर फेस ऑल्सो एंड आउटर फेस ऑल्सो. और वर्टिकल स्टील था 20 टॉर एट 130 mm सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल के लिए. शॉर्ट वॉल के लिए क्या नहीं मिला हमें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना स्टील आया था? 20 टॉर एट 160 mm सेंटर टू सेंटर. और वर्टिकल स्टील कितना मिला था हमें? 10 टॉर एट 190 mm सेंटर टू सेंटर. और डेप्थ क्या था टैंक का? 230 mm. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी डिटेलिंग के लिए पूरी. अब मैं बताता हूँ आपको डिटेलिंग कैसे करते हैं. ठीक है, ओके. सो ये रहा प्लान. अब इसमें डिटेलिंग कैसे करना है, जैसे अगर आप देख सकते हैं ये एक व्यू है प्लान में, आप इसे टॉप से देख रहे हो. तो जो भी आपको स्टील, अभी जो लाइन दिख रही है वो है हॉरिजॉन्टल स्टील. तो सबसे पहले मैं डेप्थ बता देता हूँ कितनी है. अभी जो डेप्थ है इतनी, वो है 230 mm ऑन ऑल द फोर साइड्स. और अभी पहले हम लॉन्ग वॉल का डिटेलिंग करते हैं. लॉन्ग वॉल में हमें हॉरिजॉन्टल स्टील कितना आया था? 10 टॉर एट 190 ऑन बोथ द फेसेस. तो ये और ये कितना है? 10 टॉर एट 190 सेंटर टू सेंटर. ठीक है, अब वर्टिकल स्टील कैसा दिखेंगे? ऐसे डॉट्स दिखेंगे थ्रू आउट. ठीक है, और ये कितना था? 20 टॉर एट 130. ये और ये सारे दोनों फेस पे कितना था? 20 टॉर एट 130 सेंटर टू सेंटर. ठीक है, ये डॉट सारे बनाने आपको. अच्छा, अभी शॉर्ट वॉल में क्या था? हॉरिजॉन्टल स्टील कितना था? 20 टॉर एट 160. तो ये वर्टिकल जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल स्टील है. सो ये और ये दोनों है 20 टॉर एट 160 सेंटर टू सेंटर. ठीक है, वर्टिकल स्टील भी यहाँ पे कैसा दिखेगा? डॉट्स दिखेगा सिर्फ. ठीक है, यानी ये और ये दोनों कितना आया हमें?
10 tor at 190. So 10 tor at 190 center to center. ठीक है. अच्छा अभी एक बात ध्यान में रखनी है, ये सारे जो स्पेसिंग्स है दैट इज़ फॉर द मैक्सिमम मोमेंट एंड मैक्सिमम टेंशन. अभी जब वॉल का बीच में बना देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो एक मिनट सॉरी. ठीक है, जब वॉल की हाइट आधी हो जाती है एट एच बाय टू तो पूरा स्टील ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. ये स्पेसिंग को आप डबल भी कर सकते हो ताकि यू कैन सेव सम अमाउंट ऑफ स्टील बिकॉज इट इज़ नॉट एनी वेज रिक्वायर्ड बियॉन्ड एच बाय टू. सो यू कैन कर्टेल द स्टील, जैसे कि 130 की जगह हम क्या लेंगे 260. ठीक है, उसी तरह 160 की जगह हम लेंगे 320 mm, लेकिन 320 mm नहीं ले सकते क्योंकि मैक्सिमम स्पेसिंग है 300 mm, दैट इज़ 3D और 300 mm. ठीक है, इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm. सो दैट्स ऑल विद द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक. आई होप यू लाइक दैट. इफ़ यू हैव एनी नोट्स प्लीज़ कमेंट डाउन, ट्राई टू आंसर इट, एंड इफ़ यू नीड मोर वीडियोज़ प्लीज़ सजेस्ट मी.